नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। जिले में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन सुने आवाज को देखते ही बदमाश ताला चटका कर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के राम सागर मंदिर मोड़ का है, जहां बदराव निवासी विनय सिंह वघेल के घर में घुसे बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी कर लिए। बताया जाता है कि बदमाशों ने लाखों रुपए के कीमती सोने चांदी के जेवर चोरी किए हैं। घटना की जानकारी दूसरे दिन परिवार को हुई तो थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। यह भी बताया जाता है कि पीड़ित सीधी जिले के चुरहट थाना क्षेत्र के अंतर्गत डढ़िया गांव के रहने वाले हैं, जिनके बदराव वार्ड क्रमांक 43 में स्थित सोने आवास का ताला तोड़कर घुसे बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। दूसरी खबर, दहेज लोभियों के द्वारा आए दिन नवविवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, जिसके चलते महिलाएं आत्मघाती कदम उठा लेती हैं। ऐसी घटनाएं अब निम्न वर्ग से लेकर उच्च वर्ग के लोगों के बीच में भी जमकर हो रही हैं, और इसकी शिकार पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा वाली महिलाएं भी हो रही हैं। ऐसी ही घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ले में घटित हुई, जहां संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ नर्स कृष्णा वर्मा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उक्त मामले में नर्स ने 2 लाइन का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने अपने पिता को लिखा था कि पापा सॉरी, पवार परिवार में अब किसी का रिश्ता नहीं करना। मामले की जांच नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा की गई, जिसमें मृतका के पति योगेश पवार और उसके परिवार के 4 अन्य सदस्यों को दोषी पाया गया है, जिनके खिलाफ धारा 304(b), 498 दहेज प्रताड़ना अधिनियम की धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि नर्स टीकमगढ़ की रहने वाली थी, जिसके पिता नरसिंहपुर तहसील में पदस्थ है, जिसकी शादी सिवनी निवासी योगेश पवार के साथ हुई थी, जिसके द्वारा दहेज और रीवा से ट्रांसफर कराकर भोपाल आने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं पंचायती राज में सरपंच सचिवों ने जमकर भ्रष्टाचार किया है और अपनी तिजोरी भरी है। हालांकि समय समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, लेकिन सरपंच और सचिव अपनी आदतों में सुधार नहीं लाए। ताजा मामला नौथर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बरुआ का है, जहां सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनने वाली प्राथमिक माध्यमिक शाला एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए स्वीकृत राशि को सरपंच और सचिव ने हजम कर लिया। बताया जाता है कि 13,49,000 का भ्रष्टाचार कर भ्रष्टाचारियों ने अपनी तिजोरी में भरा है। मामले की शिकायत हुई तो सरपंच और सचिव के साथ अन्य दोषी भी पाए गए हैं, जिसके बाद जनपद CEO विद्याकांत पांडे की शिकायत पर चाकघाट पुलिस ने मनोज कुमार रजक और 9 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामले को पंजीबद्ध किया है। पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई से भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि सभी भ्रष्टाचारी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश अब पुलिस कर रही है। दरअसल मामला सन 2014 का है, जब स्वीकृत राशि को बिना उपयोग किए ही भ्रष्टाचारियों ने हजम कर लिया, जिसकी जांच के बाद CEO की शिकायत पर चाकघाट पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है। अगली खबर रीवा जिले के डभौरा थाना क्षेत्र से है, जहां अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल महिला जंगल में गई थी, जिसके साथ आरोपी ने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 366 और 376 SC/ST एक्ट की धारा के तहत मामले को पंजीबद्ध कर आरोपी की अब तलाश कर रही है। बताया जाता है कि आरोपी अरविंद गुप्ता उर्फ मोहित गुप्ता निवासी चित्रकूट उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जिसके द्वारा पनवार थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला का अपहरण कर जंगल में ले जाया गया, जहां पेड़ के नीचे उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया गया और जान से मारने की धमकी देते हुए वह वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में जहां एक तरफ महिला अपराध बढ़ रहे हैं, वहीं रीवा जिला भी महिला अपराधों में अव्वल है। आए दिन दुष्कर्म की घटनाएं घटित हो रही हैं। पुलिस प्रशासन मीटिंग लेकर इन अपराधों की रोकने की बात तो करता है, लेकिन फिलहाल महिला अपराधों में कमी नहीं आ रही है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। अगली खबर है रीवा जिले के मऊगंज थाना से, जहां गत दिवस बस के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई थी, जहां आक्रोशित लोगों ने बस में आग लगा दी। इतना ही नहीं, आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड पहुंची तो उसे भी रोक दिया था, जिसके चलते बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। कड़ी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने जहां बस क्रमांक MP17P0388 के चालक के खिलाफ 279(304)(a) की धारा के तहत मामले को पंजीबद्ध किया है। वहीं थाना प्रभारी निरीक्षक श्वेता मौर्य के स्वतः संज्ञान में लेने के चलते आधा सैकड़ा लोगों के खिलाफ रास्ता रोककर बस में आग लगाने और उसको नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत मामले को पंजीबद्ध किया गया। फिलहाल पुलिस ने 147, 341,
427 और 435 की धाराओं के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बताते चलें कि सोमवार की सुबह करीब 11 बजे रीवा से मऊगंज जा रही बस मऊ बगदरा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई थी, जिसकी चपेट में आने से मोहित उर्फ सूरज मिश्रा की मौत हो गई थी, जिससे आक्रोशित लोगों ने बस को आग के हवाले कर दिया था। फिलहाल पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले को दर्ज कर विवेचना शुरू कर रही है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।